लव जिहाद को लेकर जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें वर्षों बाद पता चलता है कि उनका जो जीवन साथी है वो मुस्लिम है, इस तरह से धोखाधड़ी की जाती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन लाल गुप्ता जी। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, जिस तरह से देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आ रही हैं लड़कियों की प्रताड़ना को लेकर कि उनको धोखेधड़ी से शादी की जाती है, नाम बदल कर शादी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? बेटा, पहली बात तो मन बहुत दुखी है ये सोच के कि हिंदुत्व विचारधारा किस ओर जा रही है। हमें जिस ओर हाक दिया जाता है हम उस हाक दिए जाते हैं। लव जिहाद आज कोई नया शब्द नहीं है, ये लव जिहाद के बजाय इसको देश जिहाद कहा जाए, इस्लामिक जिहाद कहा जाए तो ज़्यादा उचित है। जैसे मैं आता हूँ नेहरू खानदान के ऊपर, एक मोमडन खानदान हिंदू नाम धर के आता है और हिंदू विचारधारा में शादी करता है। इंदिरा गांधी आती है, इस्लाम से शादी करती है और अपने आदमी का नाम हिंदू रख देती है गांधी। लेकिन जब वो मरता है तब पता चलता है कि ये तो कल भी गांधी नहीं था, आज भी गांधी नहीं है। तो उसी तरह लव कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन धर्म को झूठ बोल के इन मुसलमानों को मालूम है कि आज इस्लाम को कोई अपनी लड़की देना नहीं चाहता, तो क्या करेंगे, ये नाम बदलते हैं। यानी उन्हें इस्लाम पे विश्वास नहीं होता, वो जानते कि हिंदू बन के झूठ बना के आऊँगा तो मैं एक लड़की को अपने हक में ले आऊँगा, क्योंकि इन्हें चार चार शादियाँ चाहिए और इस्लाम में इतनी लड़कियाँ नहीं हैं। तो एक ये जिहाद चला रहे हैं, धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और देश की भौगोलिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब उनकी आबादी बढ़ जाएगी तो ना तो ये सुप्रीम कोर्ट बचेगा, ना ये राम जन्मभूमि बचेगी और ना ये पुलिस बचेगी, ना ये फौज बचेगा, ना ये देश बचेगा। तो हमें आज देश बचाने के लिए उन लड़कियों के साथ संबल बन के खड़ा होना चाहिए जिन्हें झूठ बोल के बहका के फुसला के अपने धर्म के अंदर लाते हैं, बाद में उन्हीं लड़कियों को ये विदेशों में बेच देते हैं या फिर अपने बीच में उसे एक वस्तु बना देते हैं। जब वो वस्तु बन जाती है तो फिर वो दूसरी लड़कियों को, आज क्या होता है, लव जिहाद कैसे होता है मैं बताता हूँ। इस्लामिक लड़कियाँ जिस स्कूल में पढ़ती हैं उन्हें हमें अपने बच्चों के साथ नहीं बैठना देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता को इतनी परिवर्तित कर दिया गया कि तुम जिहाद का एक हिस्सा बन जाओ। वो हिंदू लड़कियों को बहका के फुसला के उस इस्लामिक मानसिकता वाले लड़की की तरफ आकर्षित करती हैं। जब आकर्षित हो जाती है, शादी हो जाती है तो उसकी मजबूरी बन जाती है। इस मजबूरी को त्यागने के लिए, और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जब कोई हिंदू लड़का, भाई अगर से लव जिहाद है तो हिंदू भी लव जिहाद करता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों हत्या कर देते हैं? क्योंकि वह हिंदू के दिमाग में खौफ पैदा कर सकते हैं कि हम तो तुम्हारी बहन बेटियों को झूठ बोल के ला सकते हैं, तुम सच बोल के भी नहीं ला सकते। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी हैं वो इस्लाम में शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो तीन चार सात शादियों का दंश नहीं भोग सकती, हलादा का दंश नहीं भोग सकती। उस दंशों से भोगने के लिए वो हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हो रही हैं, जो उनके मन के अंदर एक कुंठा पैदा करती है। अब मैं आता हूँ सोनिया गांधी के ऊपर। सोनिया गांधी हिंदुत्व के खिलाफ क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि ईसाई विचारधारा, एक मुसलमान विचारधारा, एक ईसाई विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं के बीच में हिंदू पिस गया है। दो बाबाओं की हत्या होती है, सब पे आता हूँ मैं आज, दो बाबाओं की हत्या होती है, क्या कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को भी समाज के सामने सौंप सकता है? नहीं। वो दोनों बाबा ईसाइयत के प्रचार में बाधक बन रहे थे। सर, इस तरह से कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि सरकार जो है गैर कानूनी तरीके से जो धन परिवर्तन करवाते हैं उस पर बिल लाना चाहती है, कई राज्यों ने इसके लिए पहल भी करी है। अगर बात की जाए योगी जी की, योगी जी इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? एक योगी जी ही तो हैं जिनके कारण हमारा मन, हमारा दिमाग कहता है आज नहीं तो कल इस पे देश को कानून लाना चाहिए। योगी जी तो ले आएंगे, केवल यूपी में ना, बाकी जो स्टेट हैं वो कहाँ जाएगी? उसके लिए तो मोदी जी को एक राष्ट्रीय कानून लाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के लिए, अपनी उन बेटियों के लिए जिनके षड्यंत्र के तहत इस्लामिक
कन्वर्ट किया जा रहा है उसे रोकने की एक कानून की आवश्यकता है। सर, लेकिन जो कांग्रेस प्रदेशित राज्य हैं वहाँ पर जो है इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, वो लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, लड़कियों को अधिकार है अपनी मर्जी से शादी करने का। पाकिस्तान के अंदर किसी भी हिंदू लड़की को उठा करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। तो आप क्या कांग्रेस को अलग समझते हो? ये आज भी कोई परेशानी खड़ी होती है तो पाकिस्तान के पास भागते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान विचारधारा से उत्प्रेरित हैं। वो चाहते हैं कि जो हम पाकिस्तान में सरेआम करते हैं यहाँ धोखे के साथ किया जाए, धोखा दे देकर हमारी विचारधारा, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार को खत्म करके एक दिन गौ हत्यारों के हाथ में हम इस देश को सौंप दें। सर, 2018 में एक शादी सामने आई थी टीना दाबी और अतहर आमिर की, जो काफ़ी सेक्युलर लोग हैं, इसका बड़ा समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब 2 साल बाद ही उन लोगों ने तलाक की ओर रुख किया है। तो वही हिंदू महासभा के जो अखिल अग्रवाल है, उन्होंने बयान दिया है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी लव जिहाद जैसी चीज़ों पर इन्वॉल्व होते हैं और उस विचारधारा को वो लोग मानते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख लें। अब इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे? मैं कैसे मान लूँ कि वो पढ़े लिखे हैं? वो तो अनपढ़ जाहिल हैं, जो JNU में इस्लामिक स्टडी पढ़ के जज बन जाते हैं। जब वो जज बन जाते हैं तो एक फैसला क्या देती है एक जज, कि एक गलती के ऊपर आप 5 कुरान बांटो। तो ये उस कुरान मानसिकता के अफसर हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये सिर्फ मौके को ताड़ करके, पैसे खर्च करके, पाकिस्तान के पैसे के कारण ये अफसरों को बना दिया जाता है। ये क्या नाम है आपका, एक TV है सुदर्शन चैनल, इसके ऊपर बहुत विस्तार से बताया गया है, आप कभी उसे देखिए। अरे उनकी पढ़ाई तो पास टाइम झूम झूम के यही होती है कि इसे गजवाए हिंद बनाना है। उनके विचार में तो सिर्फ गजवाए हिंद गूंजता है, ना वो देश को जानते हैं। अभी कल की बात है, एक हरामी, मैं उसे हरामी कहूँगा, आप उसे इसी शब्द में दिखाइएगा, जो देश का हराम का खाता है, हराम के पीता है, और यही देश में यही के लोग उसे चुनाव जीतवा देते हैं और संसद विधानसभा के अंदर जाके क्या कहता है, मैं हिंदुस्तान नाम नहीं दूंगा। ऐसे आदमी को देशद्रोह का मुकदमा लगा के फांसी के सूली पे चढ़ा देना चाहिए। जैसे चाइना ने थे आनमन चौक किया था, उसके बाद जिहाद खत्म हो गया चाइना से, तो थे आनमन चौक को यहाँ दोहराने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर ये कहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे जब जिस देश के टुकड़े की तू विचारधारा रखता है, ऐसे आदमी को सरेआम फांसी देनी चाहिए, ना कोर्ट ना कचहरी, सरेआम मौत। जब मौत का खौफ उनके दिलों में बैठेगा तब वो इस विचारधारा से अलग होंगे, वरना वो वैसी जैसे कुत्ते ऐसे ही भड़काते रहेंगे और हमारी मानसिकता को नौकरी की तरफ ले जाएंगे। बाहर में गई नौकरी, नहीं चाहिए पैसा, हमारा देश मोदी जी सुरक्षित कर दे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दें, हम इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। क्योंकि इनकी विचारधारा क्या होती है, देश के संसाधनों पे आग लगाओ, एक फूट डालो और देश। आपने दिल्ली में देखा था कैसे दंगे हुए, कैसे हमारे एक पुलिस को 400 चाकू मारा गया। वो 400 चाकू इस बात का प्रमाण है कि ये चाहते हैं कि हिंदू डर जाए। अब भी हिंदू नहीं उठा तो अपनी बहन बेटियों को त्यागने के लिए तैयार है।